गुड इवनिंग गाइस। सो आज टिया कुछ स्पेशल बनाने वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 मिनट में मैगी। हॉस्टल में बहुत खाए हैं हम लोग गाइस, रात में 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक खाए हैं। तो आज शाम का ब्रेकफास्ट में, नाश्ता में कुछ ट्राई करेंगे मैगी। ये बिल्कुल नया टाइप का है, तो पुराना रेसिपी बट उसको वो अपने हिसाब से बनाएगी, अपना कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज़ करेगी, दिमाग यूज़ करेगी, स्किल यूज़ करेगी, उसको नया कुछ देगी। तो गाइस चलिए देखते हैं, पहले उसका इंग्रेडिएंट देखेंगे, देन उसका रेसिपी पूछेंगे, देन उसका मेकिंग एंड देन टेस्टिंग गाइस। तो चलिए दिखाते हैं आपको। गाइस देख सकते हैं यहाँ उसका इंग्रेडिएंट है सारा। ये है मैगी पीला पैकेट का, ये टेस्टी लगता है, इसमें लिखा हुआ 2 मिनट का मैगी। ये है टिया का सीक्रेट मसाला, ये खुद से बनाई है वो। बहुत सारा कुछ इंग्रेडिएंट बनाई है इसमें, 10-12 को कुछ चीज़ है, उसको पीस के अपना कुछ मसाला डब्बा में भर के रखिए। और इधर है आपका लहसुन प्याज और मिर्चा एंड नमक स्वाद अनुसार। सो गाइज ये है इसका इंग्रेडिएंट, और इसको ये बनाने वाली है एकदम स्पेशल टाइप में। अंदर भी इसके अंदर भी एक मसाला है, उसको भी यूज़ करिए क्या? उसमें मैगी मसाला। हाँ तो इसको मैगी मसाला को यूज़ करेंगे गाइज। और ये सीक्रेट है, और कुछ नहीं चाहिए गाइज इसके हिसाब से। और टेस्ट करेंगे लास्ट में हम लोग, तो लास्ट में हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लहसुन, ये गया लहसुन, गाइस चला गया लहसुन और अदरक। इसको एकदम रेड करेंगे फ्राई, रेड नहीं करना हमने, हल्का सा बस ब्राउन करना है। फिर मिर्चा दे देना है गाइस। अनियन भी चला गया है, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे क्या? ओ हो ही चुका है, फ्राई हो गया ना। इसके बाद क्या करेंगे? ओ इसके बाद ये मैगी खा के हम देंगे। हां तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है? सो गाइस ये फ्राई हो चुका है, एंड देन डायरेक्ट दे देंगे इसको। हाँ मैगी को डायरेक्ट फ्राई करके, फ्राई करने के लिए डायरेक्ट। ओ 2 पैकेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग मैगी का, और इसका जो एक मसाला था ना मैगी का, वो एक ही पैकेट यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये ज़्यादा काम करेगा गाइस, मैगी मसाला छोड़ के। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, देख सकते हैं गाइस ये नया तरीका यूज़ कर रही है कि वो डायरेक्ट फ्राई कर रही है मैगी। फ्लेवर जाता है तो गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं इसका बनने का, बिकॉज़ हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, सोच तो रहे हैं कि बढ़िया बनेगा ही। जो मसाला है मैगी मसाला जो हम फाड़े थे, हाँ उसको भी इसमें दे देते हैं डायरेक्ट इसी में। और पानी होने कुछ नहीं, पानी देंगे और देंगे। अच्छा हमको लग रहा है यही तो मेन चीज है, और यही तो मेन इसका ये है, स्किल है बनाने का। इसमें जो मसाला देते हैं पूरा नहीं देंगे, नहीं थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच 1-2 टेस्पून देंगे इसमें। थोड़ा सा नमक, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक रहता है ना। हाँ मसाला में तो ऑलरेडी नमक रहता है। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट फ्राई हो रहा है मैगी, डायरेक्ट फ्राई नहीं। तो चलिए गाइस ये तो कुछ नया देखने को मिला, हम ऐसा कभी बना के खाए नहीं है। क्या हम आपको बना के नहीं खिलाते? तो हम देखे थोड़े आज तक कि तुम कैसे बनाती है, हम डायरेक्ट खा लेते हैं बस। कैसा लगता है उनको ना? हाँ अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी देखे नहीं कि तुम ऐसे बनाती है, बिकॉज हम लोग ऐसे बनाते नहीं। हम डायरेक्ट बॉइल करके और मैगी दे देते हैं या मसाला दे देते हैं बस। इसका बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है स्पाइसी स्पाइसी, इसीलिए हमको बार बार स्निच आ रहा है। देख सकते हैं कि ये फ्राई कैसे करेगी तुम, पता नहीं, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। टेस्ट करेंगे कैसा लगेगा बताएंगे आप लोगों गाइस। तो अब तुम क्या करेगी, इसमें पानी डालोगी? हाँ। तो इसी में पानी डायरेक्ट? हाँ। बढ़िया है गाइस, तो नया नया चीज सीखने को मिल रहा है हम लोग को। हमको बॉयल भी नहीं करना पड़ा, हम लोग को नया नया चीज सीखने को मिल रहा है, आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और टेस्ट कीजिएगा, और बताइए कमेंट में आके। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर खराब लगेगा तो जरूर बोलिएगा कैसा खराब क्यों लगा, कैसा लगा। रेडी हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा बना है। ठीक है, तो रेडी हो जाएगा देन आपको दिखाएंगे। इसको कितना मिनट बॉईल करेंगे? जब तक पानी पूरा सूख ना जाए। ओके गाइस ठीक है, तो वेट कीजिए। सो गाइस रेडी हो गया है, चलिए दिखाते हैं आपको। अभी तो पूरा बन चुका है ये बढ़िया से। ये नॉर्मल जो मैगी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जूसी होगा गाइस, थोड़ा सा देख सकते हैं एकदम बढ़िया वाला। और ये इसमें क्या होता है ना कि ये जो इसका लेंथ है ये ब्रेक नहीं होता गाइस। तो गाइस इसको थोड़ा सा टेस्ट आप टेस्ट करते हैं, चलिए इसको मैं ढक देता हूँ, टेस्ट करते हैं गाइस, टेस्ट करते हैं, थोड़ा साइड ले लेते हैं।
बिना ब्रेक किए एक लेंगे स्पून, एक स्पून। अब टेस्ट करते हैं गाइस, टेस्ट करते हैं। एक स्पून ले लिए हम, चलिए टेस्ट करते हैं हमारा आज का मैगी स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ जो टिया बनाई। गाइस एक अलग टाइप का स्मेल आ रहा, बहुत ही टेस्टी हुआ, और फ्लेवर इतना आया है ना कि मस्त लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, ऑसम लग रहा है। एक बाइट में मेरा मन नहीं भरा गाइस, एक बाइट में मेरा मन नहीं भरा, इसको कम से कम दो चार बाइट लेंगे बढ़िया वाला बड़ा बड़ा, तब मन भरेगा। गाइस मैगी है ही टेस्टी, बचपन से खा रहे हैं लोग। ये दूसरा गाइस बहुत टेस्टी लग रहा, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे जो से वो बनाई है उस हिसाब से एक बार ट्राई करके देखिए गाइस। ऐसे तो नॉर्मल मैगी आप लोग बहुत ट्राई किए होंगे, बट जैसा टिया बनाई है वैसा आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है गाइस, तो बाय, गुड नाइट।